आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि कब कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानी से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना बोलना है और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं बोलना है या फिर चुपचाप रहना है। मौन रहने का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ जरूरत है वहीं बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 5 ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको जरूरत है। नंबर 1, साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या फिर स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है, और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों का ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना से ज़्यादा प्रिपरेशन देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे, जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। नंबर 2, साइलेंस हेल्प इन नेगोशिएशन। यानी नेगोशिएशन करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हो। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्द से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो, आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोल दे जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी होगा। नंबर 3, अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास जीतना होगा, और विश्वास तभी होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान आप कम बोलोगे और ज़्यादा सुनोगे। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाली बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तभी वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और आप पर ट्रस्ट करेगा। नंबर 4, गेट द आंसर। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू ही रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको भी दूसरे इंसान को बोलने का मौका देना चाहिए। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ, आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुछ मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी को अपनी बुद्धिमत्ता पर और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनमें यह भी क्वालिटी देखने को मिलती है, वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओमनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है, उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर क्या जान सके। नंबर 5, सूट पावर। साइलेंस एक सूट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हारा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने सूट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिला जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ पर लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास मेरा घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसके बहुत सारे समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वह दुकान पर पहुँचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी।
उसे अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि साइलेंस में आपका बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हो, जहाँ जरूर तो वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।